एक छोटा सा मैं सुना दूं जल्दी। राम जी ने सीता जी को कहा एक बार अयोध्या में, राम राज्य के बाद की घटना। राम जी कहते हैं सीता, अरे हनुमान जी नहीं होते तो हम किसी भी हालत में युद्ध जीत नहीं सकते थे। बोले कैसे, कोई एकाध प्रसंग सुनाओ। बोले जब रावण के सब साथी मारे गए तो वो कंबख्त एक हवन करवा रहा था, एक यज्ञ करवा रहा था जिससे उसको शक्तियां प्राप्त हो जाए और वो हम पर हावी हो जाए। फिर बोले फिर क्या था, हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप लेकर उन यज्ञकर्ताओं के बीच चले गए और ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे ना, रावण को शक्ति मिले उसके लिए हनुमान जी उन ब्राह्मणों की सेवा करते, सामग्री दे जाते, कभी घी ले आते, कभी कुछ ले आते, ब्राह्मणों को जिस चीज की जरूरत पड़े वो बोले उसके पहले हनुमान जी दे जाते। ब्राह्मणों को लगता कमाल है, ये आदमी है कि देवता है। अरे देवता क्या, ये सब देवताओं का भी बाप है, महादेव का अवतार है ये तो। अरे ये आदमी, इसको पता कैसे चल जाता है हमको ये चीज चाहिए, पहले ही दे जाता है। सब ब्राह्मणों ने बैठक बुलाई और कहा उसको, मन उसको कौन, हनुमान जी को, कि तुम कुछ मांग लो, हम तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हैं। हनुमान जी ने कहा आपकी सेवा मिल गई, इससे बढ़कर और क्या चाहिए, बस आपकी सेवा मुझसे मत छीनना, मुझे सेवा करने दो। और खुश हुए ब्राह्मण लोग। जब यज्ञ की पूर्णा होती होनी थी तब तो ब्राह्मणों ने सबने कहा जब तक ये हमसे कुछ मांगेगा नहीं तब तक हम पूर्णाहुति की आहुति नहीं डालेंगे, यज्ञ पूर्ण नहीं करेंगे, पहले ये कुछ मांगे, इतनी सेवा की इसने, मांगो। हनुमान जी ने सोचा कि अब मौका है मांगने का। हनुमान जी ने कहा बस एक काम करो भूदेव। क्या, बोले आप पूर्णाहुति में ये मंत्र बोलोगे ना, जय त्वम देवी चामुंडे, जय भूतार्थ हारिणी, जय सर्वगते देवी, काल रात्रि नमोस्तुते, ये मंत्र बोलोगे ना। ब्राह्मणों को लगा कि इसको ये भी पता चल गया कि हम कौन सा मंत्र बोलकर पूरा करने वाले हैं। हाँ तो बोलो इसमें क्या करें। हनुमान जी ने कहा एक अक्षर बदल दो बस इस मंत्र में। अरे तुम कहो तो पूरा मंत्र बदल देगा। नहीं नहीं, हनुमान जी ने कहा एक अक्षर कौन सा, बोले जय भूतार्थ हारिणी बोलोगे ना उसके बदले कारिणी बोलो, तो हारिणी मतलब पीड़ा हरने वाली, रावण की, रावण के लिए यज्ञ हो रहा था, पीड़ा हरने वाली, पर कारिणी का हो गया पीड़ा करने वाली, दे रावण को पीड़ा, जय भूतार्थ कारिणी। ब्राह्मणों ने कहा जो आदेश, और हनुमान जी के कहे अनुसार जय भूतार्थ कारिणी आहुतियां डाली, रावण की पीड़ा बढ़ गई। राम जी सीता जी को कहते हैं ऐसे हनुमान जी ने हमको कदम कदम पे मदद की, वो अगर नहीं होते तो हम युद्ध जीत नहीं सकते थे। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सके मुख मोरा, सुन सुत तो ही उरिण मैं नाही। राम जी हनुमान जी को कहते हैं कि पुत्र, पुत्र प्यार से कहते हैं कि हम तुम्हारे ऋण से कभी उरिण नहीं हो सकते। ऐसे हनुमान जी के होते हुए लोग मजारों पर जाकर दया की भीख मांगे, बड़े शर्म की बात है। काशी विश्वनाथ भगवान के होते हुए कहीं और जाकर दया की भीख मांगे, बड़े शर्म की बात है।